हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता और स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद संगीता में। काली घनी आईब्रोज हर लड़की की चाहत होती है, तो मैं यहाँ पर आपको आईब्रोज को काला घना बनाने का एक सरल उपाय बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए आपको लेना है नारियल तेल। आप कोई भी नारियल तेल ले सकते हैं। तो नारियल तेल में हमें कुछ चीज़ें और मिक्स करनी है, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको एक चम्मच नारियल तेल लेना है। अगर आईब्रोज हल्की होती हैं, एकदम काली नहीं होती, तो वो अच्छी नहीं लगती। अगर आपकी आईब्रोज काली हैं, घनी हैं, तो इससे खूबसूरती में और भी ज़्यादा चार चांद लग जाते हैं। अब यहाँ मैंने ये कैस्टर ऑयल लिया है, यानी कि अरंडी का तेल। जो नारियल तेल हमने लिया है उसमें हमें 4-5 बूंद के करीब कैस्टर ऑयल मिक्स करना है। कैस्टर ऑयल का यूज़ बालों के लिए, स्किन के लिए किया जाता है। कैस्टर ऑयल का यूज़ करने से बाल काले, लंबे, घने बनते हैं। स्किन पर जब हम इसका यूज़ करते हैं तो स्किन से भी सारे काले दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और स्किन में चमक आती है। अब इसे हमें नारियल के तेल में मिक्स करना है। तो इससे पहले हम इसमें डाल लेते हैं एक विटामिन ई का कैप्सूल। ये मैंने विटामिन ई के कैप्सूल लिए हैं, ये आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे। विटामिन ई हमारी स्किन को एकदम ग्लोइंग फेयर बनाता है और बालों को भी लंबा, मजबूत, काला बनाता है। इसका यूज़ करने से आपकी आईब्रोज बहुत ही घनी और काली हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये मैंने एक विटामिन ई का कैप्सूल इसमें डाला है। अब इन तीनों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, आप इसे थोड़ा ज़्यादा बना लीजिए और फिर बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं 15-20 दिन के लिए। अब ये मैंने इन तीनों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, ये रेमेडी बहुत ही असरदार है। आप इसे बनाकर अप्लाई करके देखिए, आपकी आईब्रोज काली और घनी हो जाएंगी। अब मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि आपको इसे कैसे लगाना है। आपको इसे रात में सोने से पहले लगाना है। डेली आपको इसे अपनी आईब्रोज पर लगाना है। अगर पॉसिबल हो सके तो दिन में 2 बार इसे लगाइए। मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि इसे आपको किस तरह लगाना है। तो इस तरह उंगली में लेकर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी आईब्रोज पर इस तरह लगाना है। इसको हल्के हाथों से इस तरह आईब्रोज पर लगा लीजिए और फिर लगाने के बाद आपको इसे पूरी रात के लिए ऐसे ही रहने देना है। पूरी रात ऐसे ही आईब्रोज पर लगा रहने दीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपकी आईब्रोज काली घनी हो जाएंगी। लगातार इसे इस्तेमाल कीजिए और रिजल्ट आपको खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेमेडी यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।